बिस्मिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जनाबी आली, आज मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं। हाँ भाई, आओ अलीम भाई। आज शर्मा क्यों रहे इतना? अलीम भाई हाय कर दो। अलीम भाई किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दुबई क्रीक। दुबई क्रीक जा रहे हैं हम तो, फिर मिलते हैं दुबई क्रीक के। अच्छा, तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम वेटिंग में हैं और काफ़ी यहाँ पब्लिक है। एक बोट तो चली गई यहाँ से, क्योंकि हमने जाना है क्रीक हार्बर। आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ, सही भाई मैं गलत ले रहा हूँ? पक्की बात है? पक्की बात है। तो अब मुझे भी नाम नहीं पता है, इन भाई ने बताया मुझे। बाकी देखते हैं वहाँ चल के कैसी जगह है ये, जो इतनी देर हमने इंतज़ार किया है। तो चल के वहीं देखते हैं। अच्छा, तो अभी हम बोट में तो आके बैठ गए। अभी जाना है हमने ये सामने, ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ पे जाना है हमने। इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में वहाँ पहुँचेंगे, 5-10 मिनट के अंदर। देन फिर आपको वहाँ का जितना भी नज़ारा होगा वो दिखाएंगे सब कुछ। क्यों अलीम भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही है, सही बात है ना। अच्छा अलीम भाई, ये बता रहे हैं कि ये सामने जो है DFC मॉल है, जो कि आपको दिखाता हूँ मैं। ये DFC मॉल है। यहाँ से भी जाती हैं, जैसे ये शिप आई अभी छोटी कश्ती, तो ये वहाँ पे लेके जाती है। ये अभी पहुँच गए यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद। हालांकि रास्ता तो इतना ज़्यादा नहीं था, तो छोटा सा तो रास्ता था यहाँ पे। बट ये है कि बोट वाले ने काफ़ी देर लगाई, जो वहाँ पे वेटिंग थी हमारी बहुत ज़्यादा देर की थी। अच्छा, जब भी इधर आना हो तो 5:30 बजे की एक टाइमिंग है, यानी कि 5:20 की, और एक यहाँ 4:45 पे थी। तो इससे पहले पहले आ जाएंगे तो अच्छा है। यहाँ पे बनाया हुआ तो बहुत खूबसूरत है ये इन्होंने। और ये सामने देखिए कैफे बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और हमारे अलीम भाई लगे पड़े अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए, जो कि अभी हमने भी बनानी है, क्योंकि मैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए भी बना रहा हूँ वीडियोस और पिक्चर्स, और कुछ जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी बना रहा हूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आपने कर ही चुके होंगे जितना मैं समझता हूँ। ये नज़ारा देखें। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि इस पर जो मैंने पैर रखा ना, ये कोई वो नहीं है जैसे कि बजरी हो या कुछ चीज़, बहुत सॉफ्ट है ये। ये बच्चों के लिए बनाया हुआ, देखना जैसे बच्चा ही खेल रहा छोटा। ये बच्चों के लिए बनाया, अगर कोई गिर विर जाएगा तो ये है कि उसको चोट वोट नहीं लगेगी। कोई अजीब ही फॉर्म टाइप का बना हुआ है। सामने सारी शिप्स खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग्स हैं खूबसूरत खूबसूरत। बड़ी अच्छा जगह, बहुत अच्छी जगह ये, जिसमें हमारे अलीम भाई सामने लगे पाए अपनी फ़ोटोज़ लेने के। और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा बुर्ज खलीफा, यहाँ से दिख रहा है। अब मैं आपको 360 व्यू एक देता हूँ। अभी ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और ये अलीम भाई भी खड़े हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अब रात होती जा रही है तो लाइटिंग शुरू होती जा रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत भाई, दिल खुश हो गया इधर तो आके। अभी यहाँ से जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही खूबसूरत व्यू आने वाला है, जो कि ये आ रहा है, देख रहे हैं आप, पूरा जो सिटी है उसका पूरा व्यू आ रहा है। और बहुत ही, ये सामने से कश्ती आ रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखें। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, कश्ती देखें कैसे फुल स्पीड में आ रही है। मस्जिद आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे रात होती जा रही है। अभी अजान भी हो गई है मगरिब की, और ये देखें कैसे वहाँ पे सामने आपको दिखेगा बहुत सारे परिंदे जा रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है सामने। अब जो है लाइटिंग होती जा रही है, और अब जो नज़ारा मिलेगा वो अलग ही होगा। ये देख रहे हैं सामने कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये रात हो गई है और सारी लाइटिंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ का जो अब जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया।
ये कितना खूबसूरत बना हुआ है, सारा लाइटिंग हुई हुई है, छोटी छोटी सी बत्तियाँ लगी हुई है इस पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जैसे पुराने ज़माने में लाइट हाउस होता था ना, कि भाई शिप आ रही होती थी तो वो बताता था कि भाई इधर यानी कि पानी का एंड है या साहिल है, तो उस तरीके से बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ ये। आप जब भी इधर आएँ तो अपने किसी फ्रेंड के साथ आएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, अकेले आएंगे तो मज़ा बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि इतना आएगा, जैसे कि किसी के आप साथ आते हैं तो वो ज़्यादा मज़ा है। मैं आपको जितने भी है ना यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बस वही आपको ज़्यादातर दिखा रहा हूँ। ये देखें ना लेज़र लाइट से कितना प्यारा बनाया है, ऊपर से लाइटिंग, हाँ ये लेज़र लाइटिंग है और सामने उस पर बन रहा है जैसे जैसे पानी हो। आगे फाउंटेन भी है, वहाँ पर भी चलते हैं फाउंटेन वाली जगह पर, देखते हैं वहाँ क्या है। जो अभी हम दूर से देख रहे थे ये वो फाउंटेन है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग देखें आप कितनी प्यारी की हुई है। और हाँ भाई अलीम भाई कैसे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। हाँ आज और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। अच्छा, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम और थोड़ा जल्दी आ जाए टाइम से पहले, तो डे शॉट्स भी अच्छे आएंगे, डे के व्यूज अच्छे आएंगे। सही, उस हिसाब से क्योंकि आज हम लोग काफ़ी लेट हो गए, हम लोग उठे 2 बजे, फिर तकरीबन यहाँ जो पहुँचे हम 4 बजे पहुँचे, और फिर वो जो बोट आनी थी यहाँ तक वो 5:20 की थी, तो जब भी जो है ना हम लोग को बहुत टाइम लग गया इसमें आने में ना यहाँ तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इधर तो कोशिश करेंगे हम जल्दी आ जाएं इधर। बाकी ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और सामने ये बोट भी खड़ी हुई है। एक हम आगे हैं व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि ये वाली सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, और ये व्यू पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप जैसे कि बिल्कुल पानी के ऊपर है, सही है ना। और इसके ऊपर एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत जो मुझे दिखी है वो ये है, ये देखें जो वहाँ से हमें बिल्डिंग दिख रही थी, देख रहे हैं मेरा मोबाइल बिल्कुल मेरे ऊपर आ गया और वह तब नज़ारा मिला ये। अभी इतने ऊपर आया हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, मेरा तो सांस फूल गया। बाकी ये व्यू पॉइंट है सामने, और ये मैं आर्ट दिखाना चाह रहा था आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है इधर। ओए मेरी तो सांस चढ़ गई भाई, सामने भी सारी बिल्डिंग्स हैं और ये एक रेस्टोरेंट है और होटल भी है, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है, दरख्त ही दरख्त हर जगह लगे हुए, ये तो मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा ये जगह, है ना अलीम भाई? कैसी खूबसूरत जगह बनाई है ना फाउंटेन, पानी कितना साफ है, बहुत ही खूबसूरत, दोनों तरफ से लाइटिंग है, बीच में पैद दिया हुआ है चलने के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पे, और ये बिल्कुल कॉर्नर पे आके खड़ा हूँ मैं। ये नीचे आई थिंक कश्ती है जिसमें ये सामान लदा हुआ है इन्होंने, और ये क्रेन भी लगाई हुई है इन्होंने, कितनी बड़ी क्रेन है। बाकी सामने बुर्ज खलीफा दिख रहा है, मैंने आपको क्लोज करके दिखाया, और उसके बाद फिर ये सारा का सारा व्यू जो है दुबई का आ रहा है, और जो वो कश्ती वाली जो जगह थी वो सामने दिख रही होगी आपको, जहाँ से हम कश्ती में बैठ के आए थे। और ये देख रहे हैं ये इसके अंदर काफ़ी लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, खाने का भी प्रोग्राम होगा, पार्टी भी होगी। और सामने ये आपको दिख रहा है सारा बिल्डिंग्स दुबई की हैं, दुबई साइड है, DFC है, आई थिंक ये वाला DFC मॉल है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और नीचे सारे का सारा पानी है। अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ, जो बोट हमें लेके जाएगी मेट्रो क्रीक मेट्रो ना, मेट्रो स्टेशन उस तरफ लेके जाएगी, फिर हम वहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि जब भी इधर दुबई आएँ तो यहाँ लाजमी आएँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। इसी के साथ दीजिए मुझको और अलीम भाई को इजाज़त। अलीम भाई नाराज़ हो क्या, इधर आ जाओ। अलीम भाई और मुझको दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल लाजमी रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।